जुल्फी कि तुमने क्या किया, आज वो रही सही उम्मीदें भी तुमने तोड़ दी जो मेरे दिल में बाकी थी। बहुत दुख दिया तुमने अम्मी को, हम सबको। क्या बनेगा इस घर का, अल्लाह तुम्हें खुश रखे जुल्फी, हमेशा खुश रखे। हौसला करो अम्मी जी, हौसले के बगैर उम्र नहीं कटती। जिसने पैदा किया वो सहारा भी है और पालने वाला भी। मैं समझती हूँ, देख लिया पर आया धन होती बोझ होती वैर का एहसान होती। चाहते ना चाहते मानना पड़ता है, लेकिन बेटा तो हर हाल में अपना होता है। जवानी का गुरूर, बुढ़ापे की लाठी, वक्त अच्छा मुनसिफ, सही और गलत की तमीज करा देता है। आज बेटियां सारे बेटियां कम सार मुझे, हम आपके साथ हैं। तुम्हारा दुख खाए जाता है मुझे शर्म। कोई दुख नहीं है मुझे, मेरी तरफ से अपने दिल पर कोई बोझ ना रखे। मैं जानती हूँ कि किस तरह जी रही हो तुम। हाँ, आपकी बेटी बहुत बहादुर है अम्मी जी, हर तरह के हालात का मुकाबला करना जानती है। मेरी तरफ से बिल्कुल भी परेशान ना हो। तुम्हारी फूफा आई थी बात करने के लिए। मैं तो राजी भी हूं पर नीलम नहीं मानती। बस जो किसी पर कोई एहसान ना ही करे तो अच्छा है। रही बात मेरी आजादी की, तो वो तो मैं जब चाहूं हासिल कर ही लूंगी। यूसुफ की खाम ख्यालियां अच्छी तरह दूर करना जानती हूँ। कुछ उल्टा सीधा मत कर बैठना बेटा, वो तुम्हारी फूफो का घर है। आंधी को अपने पराए की तमीज कहाँ रहती है अम्मी जी, उन्हें एहसास तो हो कि वो क्या होता है। हेलो, कैसी हो शबो रानी? बड़े नखरे हो गए हैं आपके, कब से फोन कर रही थी उठा क्यों नहीं रहे थे? अरे मेरी जान, तुम्हारी कॉल रिसीव करना बाई से खुशी ही नहीं बाई से जिंदगी भी है। इससे बढ़कर भला मेरे लिए क्या इफ्तिखार हो सकता है कि शबो रानी जैसी लड़की मेरी कॉल रिसीव करने की मुंतजर हो। बातें खूब बना लेते हैं आप। अरे एक ही फन तो आता है हमें, इसी की वजह से तो हम आप जैसी हसीनों के दिल जीत लेते हैं। ओ, वैसे माशाल्लाह से कितने अवार्ड सजाए हैं जनाब ने खैर से? अगला पिछला कोई हिसाब किताब याद नहीं जब से तुम जिंदगी में आई। जनाब हमें तो लोग मौत से तशबीह दिया करते हैं, आप हमें अपनी जिंदगी में आने की दावत ना ही दे तो बेहतर है। अब हम इतने भी बदजौक नहीं, हम तो जिंदगी को जिंदगी ही कहेंगे। क्या बात है, अच्छे बताएं कि कहाँ मिल रहे हैं? जहर रसीद, जब तुम कहो। सर केवल चला आता हूँ। मुझे सर्कस से कोई दिलचस्पी नहीं है, मोटरसाइकिल पे आ जाइएगा।
कुछ शॉपिंग करनी है मुझे, चंद एक सूट है, थोड़ी सी कॉस्मेटिक और एक छोटी सी लिस्ट है, दिलाएंगे ना? अरे हम नाम के नहीं, काम के भी फैयाज, आजमा लेना। जी जरूर, वैसे हम आजमाए बगैर छोड़ तो नहीं होंगे। तो कल शाम 5 बजे कहाँ? कल बताऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम कहाँ थी? तुम सारे घर में ढूंढता फिर रहा था मैं तुम्हें। मुझे ढूंढते फिर रहे थे या मुझसे छुपते फिर रहे थे? क्या मतलब, क्यों छुपूंगा मैं? तो चोरी की है मैंने। ये तो वक्त ही बताएगा फयाज, आप छुपना भी चाहें तो चोरी भला छुपती है? देखो रेशम बेटा कौन है। जी अम्मी जी देखते हैं। हाय तुम। हाँ हम। सलाम अलैकुम अम्मी जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो खुश रहो। अम्मी जी ये साइमा है आपकी बहू। पता है, बैठो। मैंने तो जुल्फी से बहुत कहा था कि आप लोगों की शादी में शिरकत बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी गैर ज़रूरी वो चीज़ होती है जिसके बगैर काम मुमकिन ना हो। हमारी शिरकत के बगैर तुम लोगों की तकलीफ बखैर खूबी अंजाम पाई। ज़रूरी गैर ज़रूरी क्या मायने रखता है? रेशम। जी अम्मी जी। बेटा मिठाई लेकर आओ, तुम्हारी भाभी पहली मर्तबा घर आई है। अम्मी जी मिठाई तो कुछ भी मीठा ले आओ बेटा, चीनी तो होगी घर में। जी अम्मी जी। जी मुझे ख्याल नहीं ना, वरना मैं मिठाई ले आता। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह का दिया सब कुछ है इस घर में, किसी चीज की भी जरूरत नहीं हमें। आंटी आप हम लोगों से मिलने आया करेंगी ना? बेटा मेरे घर में जवान बिन बिहाई बेटियां हैं, इसलिए कहीं आती जाती हैं। जब उनसे फारिग हो जाऊंगी तो फिर सोचूंगी। हेलो, मैं ड्रॉप कर दूं आपको? नहीं सर, रोज की आपकी वही जद। अच्छे लोग रोज ही मोहब्बत और खुलूस का सिक्का किसी जरूरतमंद के नाम कर दिया करते हैं। सॉरी सर, ये सिक्का आज मेरे पास नहीं है, मैं वैन से ही जाऊंगी। खैरियत? सर वो आज मुझे जुल्फी के घर जाना है। दरअसल जब से उसकी शादी हुई है हमारे घर से कोई भी नहीं गया मुबारकबाद देने। आज मुझे वहां जाना है और मैं नहीं चाहती कि मुझे वहां कोई आपके साथ देख ले। क्यों, इतना बुरा हूं मैं? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं। चलिए किसी तरह सही सही, आपने मेरी तारीफ तो की। मैंने आपकी कभी बुराई भी नहीं की सर। बहुत नवाजिश है आपकी। खुदा हाफिज़। जल्दी नहीं करनी।
खुद ही बता दूँ मैं लेने लेकिन जल्दी से बता दूँ कि मुझे बता देना था जरा मेरे साथ बाहर चलो मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे सॉरी यूसुफ अब हमारे दरमियान सब दरवाजे बंद हो चुके हैं कोई खिड़की कोई दरीचा नहीं है जिससे हम एक दूसरे की सूरत भी देख सकें इसलिए आप मेरे रास्ते में ना आए प्लीज यूसुफ ये मेरा ऑफिस है प्लीज अपने आप को होश में लाएं मुझे होश में लाना चाहती हूँ तो शराफत से मेरे साथ चलो इस मदोशी में न जाने में क्या कर बैठूंगा कोई जोर जबरदस्ती है जबर है धौंस है क्या है यूसुफ आपकी समझ में क्यों नहीं आता कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी कल तक तो बहुत मोहब्बत करती थी मुझसे बड़ी अपनी अदाएं निशावर करती थी मुझ पे आज क्या हुआ मैं इतना बुरा हो गया कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है देखिए यूसुफ कल अब माजी बन चुका है आप हाल की बात कीजिए मेरी बहन आपकी बीवी है मेरे और आपके दरमियान सिर्फ एक साली और बहनोई का रिश्ता है हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं बन सकता ये बात आप अपने आप को समझा लें और शबनम को दिल से कबूल कर लें से मोहब्बत करें उसकी इज्जत करें आपके सब मसाल खुद ब खुद हल हो जाएंगे ये बात तुम अपने आप को समझाओ मेरे दिल में सिर्फ तुम हो नीलम शबनम की कोई जगह नहीं है ये बदयांती होगी और आप जो करें यूसुफ वो बदयांती नहीं है मुझे मायूस करोगी तो बहुत पछताओगी यूसुफ मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत जल्दी किसी और से शादी कर रही हूं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है नीलम मेरी बात सुनो कहीं जा रहे हैं आप बस यूं ही उस दोस्त के घर जा रहा था आज ना जाइए मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी हॉस्पिटल जाना है भाई उसे कल पे उठा रखो अब फिलहाल मेरा दोस्त के पास जाना बहुत जरूरी है और वैसे भी इस वक्त कोई मूड नहीं है मेरा क्लिनिक में फैली हुई स्पिरिट की भूख सूंघने का पूछ सकती हूँ क्या मूड है आपका बताया तो है दोस्त की तरफ जा रहा हूं दोस्त का कोई भला सा नाम भी होगा हाँ है तो मैं क्या मतलब उसके नाम और पते से आप खो जाए तो पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवा सकती हूँ क्या पता दोस्त ने किस इरादे से बुलाया ये जबान किसी से उखाड़ कर हथेली पे रख दूंगा समझी बहुत दिनों से देख रहा हूं तुम्हारे ये तेवर में सर पे चढ़ती जा रही हो तुम करता हूं कर तुम्हारा इलाज और कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की दिमाग खराब करके रख दिया हर वक्त टर 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 हाँ हाँ बोलो अरे बोलो तो सही रमना मुझे क्या वही नाजिल होगी क्या हुआ है खैरियत है बोलो अम्मी वो अम्मी कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास आप कुछ देर के लिए आ सकती है मेरे पास लेकिन अम्मी अकेली अच्छा आती हूँ अरे तुम तो मुझे हौलाए दे रही हो आ रही हूँ अम्मी जी कहाँ जा रहे हो तुम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं सुरैया का चेकअप है अच्छा वो मुझे रास्ते में रमना के यहाँ छोड़ दो अम्मी इस तरह अचानक
सब खैरियत तो है? आपके भैया कम कम रहने देते हैं घर में खैरियत, इस नाम की फाख्ता उन्हें पसंद नहीं है। ठीक है अम्मी, हम आपको रास्ते में ड्रॉप कर देते हैं, चले आप। मैं चादर ले आऊँ। बहुत दिनों से मेरे अंदर ये लावा पक रहा है अम्मी जी। पहले तो मुझे सिर्फ इस बात पर शक था, लेकिन अब तो मुझे यकीन हो गया शबनम फयाज पे डोरे डाल रही है। और फयाज, फयाज बस कठपुतली बनकर रह गए हैं। बेगैरत, दो कौड़ी का इंसान, अरे शर्म नहीं आती उसे अपनी भावच पे डोरे डालते हुए? आंखें फोड़ डालूंगी उसकी, जरा आने तो दो, वो लत्ते लूंगी ना मुंह छुपाता फिरेगा कमबख्त। आप सिर्फ फयाज को बुरा भला कह रही हैं? तो क्या तुम्हें कहूं? शबनम आपको दूध की धुली लग रही है इस पूरे मामले में। शबनम को क्या कहें और किस मुंह से कहें? तुम्हारे भाई ने उस मासूम के साथ जो रवैया रवा रखा है, इससे हालात में तो औरत पागल हो जाती है, दीवानी हो जाती है। कसूर शबनम का नहीं, तुम्हारे भाई और तुम्हारे इस नामुराद शौहर का है। रहने दीजिए अम्मी, मर्द तो मर्द होता है, औरत तो अपना औरतपन संभाल कर रखे। आपके मियां से इंतकाम लेने के लिए दूसरी औरतों का घर बर्बाद करने पे तुल गई है वो, और किसी का नहीं, अपनी सहेली, अपनी नंद का। अरे अगर नाजो अंदाज दिखाकर किसी को दीवाना बनाना है तो अपने मियां को बनाए ना, मेरे शौहर को क्यों इस्तेमाल कर रही है? तो तुमसे तो ना संभाला गया ना अपना खसम, अरे क्यों नहीं दिखाया तुमने नाज नखरे? आपको बुलवाया था तो बांटने के लिए, एक तो लफ्ज दुख सुख के कहने के लिए, मुझे क्या पता था आप भी मेरा दिल ही दुखाएंगी। अच्छा बस करो अब ये रोना धोना, करते हैं कुछ, निकालते हैं इस मसले का हल भी। हल? इसका सिर्फ एक ही हल है, यूसुफ से कहे कि उसको तलाक दे और घर से रवाना करे, ना जाने आगे क्या गुल खिलाएगी। भाई मानता हूं, क्या खूब बहादुर और जुर्रत वाली लड़की हो, मुझे तो तुम्हारे इस अंदाज ने दीवाना सा कर दिया। क्यों मुझ गरीब को इल्जाम दे रहे हैं? आप तो काफी पुराने दीवाने हैं फयाज भाई, लाइलाज कर सकते हैं। ऊपर से ये अंदाज, ये शरीर शरीर सी बातें, हाय काश मेरे बस में होता तो। तो आपके बस में होता तो आप क्या करते? रमना को यहां भेज देता, तुम्हें बुला लेता अपने घर हमेशा के लिए। वाह बड़ी अजीब है मर्दात, एक पुराना लतीफा है कि पराए बच्चों और अपनी बीवी किसी को पसंद नहीं होता, किसी ने सोच समझ के गढ़ा था यह लतीफा। बीवी तुम्हारे जैसी होगी तो किसी अहमक को ही पसंद नहीं होगी। है एक ऐसा अहमक इस दुनिया में। अब खैर छोड़े इन फजूल बातों को, तुमने मुझे खास तौर पर यहां बुलाया, अब हम अपना वक्त इन फजूल बातों में क्यों जाया करें? हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी सी बातें, प्यार और मोहब्बत की बातें। अभी क्या कहा था आपने कि आपके बस में होता तो रमना को छोड़ के मुझे यहां से ले जाते? यकीन करो शब, रत्ती बराबर झूठ नहीं था इसमें। तो क्यों नहीं है आपके बस में? आप चाहें तो ऐसा हो भी सकता है। कैसे? रमना को तलाक दे दी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? मैंने आपसे कोई दूध की नहर जारी करने का मुतालबा तो नहीं किया, ना ही किसी कच्चे घड़े पर चनाब पार करने को कहा जो आप इतने खामोश हो गए। ये बात नहीं है शब्बू। फिर वही शब्बू, हजार मर्तबा कहा है मुझे शब्बू मत कहा करें। अच्छा तो फिर क्या कहूँ, तुम ही बता दो। कुछ मत कहें, बड़ी मेहरबानी आपकी। रमना को तलाक देने का सुनकर आपकी जो हालत हुई है उससे आपके सारे दावों का पोल खुल गया है।
आप भी दूसरे आम मर्दों की तरह किसी मजबूर और बेबस औरत के हालात का नजायज फायदा उठाना चाहते हैं और नाम लेते हैं इश्क और मोहब्बत। इतने ही सच्चे होते ना तो मेरी इस पेशकश पर आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए था। रमना को तो आप गले का तौक समझते हैं ना, और आपको मेरे इन बाजों का सहारा चाहिए, तो मैंने आपको सीधी सीधी पेशकश तो की है, रमना को छोड़ दें, मुझे अपना लें। देखो शबनम, बात तुम्हारी, मेरी और रमना की नहीं है, सुरैया और यूनुस बराह रास्त इन्वॉल्व हो जाते हैं इस मसले में। अगर मैं रमना को तलाक दे दूं तो इसका मेरी बहन की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तुम खुद ही देखो, उसका तो कोई कसूर नहीं ना इस सारे मामले में। आप बेफिक्र रहिए, यूनुस भाई किसी भी सूरत और किसी के कहने पर सुरैया को तलाक नहीं देंगे। बहुत चाहते हैं वो सुरैया को और सुरैया उन्हें, वो दोनों इतने बेवकूफ और कमअक्ल नहीं है कि दूसरों की जलाई हुई आग में अपना दामन जला दें। अपनी बात करें आप। तुम यकीन रखो शबनम, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन लेकिन रमना को तलाक नहीं दे सकते, यही ना? मेरी एक बेटी, और रमना फिर माँ बनने जा रही है, ऐसे में निकले निकले यहाँ से, मैंने कहा निकले यहाँ से। शबनम क्या मैं इतनी फजूल और फालतू नहीं हूँ कि यहाँ बैठ के आपके बीवी बच्चों के दुखड़े सुनूं। इतना ही दिल में फैमिली का दर्द है ना, तो यहाँ क्या करें? जाइए और जाके अपनी बीवी की जुल्फे सवारें। तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम्हें मेरी मजबूरियों पर ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। जब दिल ठंडा पड़ेगा तो गौर भी कर लूंगी, फिलहाल आप यहाँ से रुखसत हो जाइए, आपके लिए बेहतर यही होगा। देखो इतना अच्छा वक्त तुम अपने गुस्से की नजर कर रही हो। अच्छा वक्त दुरुस्त कहा आपने फयाज भाई, बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए। घर पे आपकी बीवी और बच्ची हर बात से बेफिक्र, खुश और मुतमईन, और आप यहाँ दुनिया की नजरों में धूल झोंक कर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आजाद और बेफिक्र। बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए। कौन है ये? तुमने तो कहा था अभी किसी के आने का कोई इम्कान नहीं है। इम्कान तो इम्कान होता है फयाज भाई, अब ऐसे मामलों में रिस्क को लेना पड़ता है ना। आप तो खासा सेफ एंड साउंड रहना चाहते हैं। मगर ये है कौन? ये तो दरवाजा खोलने पर ही पता चलेगा, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, जो कोई भी होगा मैं उसे बाहर से ही भगा दूंगी। कौन है, कौन आ गया इस वक्त? कब से बैल बजा रहा हूँ, कहाँ थी तुम? घर पे कोई नहीं है क्या? वो तो शुक्र है मेरे पास चाबियां थी। फयाज भाई, यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं दरअसल यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि क्या सोचा? सोचा कि काफी दिन हो गए हैं रैया से मुलाकात नहीं हुई, जरा उसकी खबर ही लेता चलूं। यहाँ पर आया तो पता चला कि घर पर तो कोई भी नहीं है सिवाय मेरे। शबनम ने कहा वो लोग बस आते ही होंगे, तो मैंने सोचा मैं इंतजार कर लेता हूँ। मैंने आपको बोल तो नहीं किया ना प्याज भाई? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत शरीर लड़की आई। अरेंज करके आता हूँ। क्या था ये सब? डरते क्यों हैं? कुछ नहीं होता। हाँ कहो। ये फयाज भाई को क्या हो गया? उसे क्या होना है, ऐसी धीट हड्डियों को कुछ नहीं होता। सौ सौ बरस जीते हैं और दूसरों की जिंदगी अजाब कर देते हैं। पता नहीं आप काम की कहां ले जाती हैं। मैं कुछ और कह रहा हूं आपसे, मैंने अक्सर फयाज भाई को शबनम के आसपास देखा है, और वो शबनम वो भी कुछ अजीब सा रिस्पॉन्ड करती है। काश काश तुम्हें इतना इख्तियार होता कि ये सवाल तुम अपनी माँ के बजाय अपनी बीवी से करते। मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना, बस उसको समझने की कोशिश करें। ये तंज ताने मैं बहुत पहले सुनता आ रहा हूँ। जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, ताने तशने तो सुनने पड़ेंगे। रमना से कहें कि वो फयाज भाई को बोले अपनी हद में रहें वो, और आप शबनम को समझाएं। अपनी कहो,
तुम्हें कौन समझाएगा? शायद वक्त। अगर आप यूसुफ भाई से शादी नहीं करना चाहती तो किसी और से कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपकी कहीं और शादी नहीं हो जाती यूसुफ भाई सुकून से नहीं बैठेंगे। कल तक तो बहुत मोहब्बत करती थी मुझसे, बड़ी अपनी अदानी शावर करती थी मुझे। कल अब मासी बन चुका है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो नीलम, शबनम की कोई जगह नहीं है। जुबैदा, मैं तुमसे इस कदर शर्मिंदा हूँ कि नजरें मिला के बात भी नहीं कर सकती, लेकिन क्या करें, अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि जो औलाद होती है ये बंदे की आजमाइश होती है, इसलिए नजरें झुकाए दामन फैलाए तुम्हारे पास चली आई। तुम ये भी जानती हो कि मैंने आज तक तुम्हें कभी भाभी नहीं समझा, हमेशा सगी बहनों की तरह चाहा और प्यार किया। जानती हूँ, और तुम ये भी जानती होगी कि तुम्हारी सारी बेटियां मुझे रमना की तरह अजीज और प्यारी हैं, खास तौर पर शबनम। बेशक फिर अपनी बहन की नियत पे कोई शक न करना। हालात मेरे काबू से इतने बाहर हो गए, वरना मैं तुमसे ये अहमकाना मुतालबा कभी नहीं करती। आप भी मेरी नीयत पे शक मत कीजिएगा। मेरा खुदा गवाह है कि मैं इस परेशान कुन किस्से को समेटना चाहती हूँ, लेकिन इस नीलम ने मुझे इतने दुख और इतनी असीयतें दी जिनका शुमार मुमकिन है। अब उसने यूसुफ की जिंदगी में जाने से साफ इनकार कर दिया। वो शबनम की रिहाई के बदले में भी कीमत चुकाने पर तैयार है। जिद पर उतर आई है कि वो यूसुफ से शादी करेगी, और वहां हमारे सपूत एक ही जिद और एक ही रट लगाए हुए हैं कि शादी करेंगे तो नीलम से, वरना ना खुद खुश रहेंगे और ना किसी को खुश रहने देंगे। मुझे तो सिर्फ शबनम की फिक्र है, उसकी भरी जवानी देख देख के मेरा तो कलेजा फटा जाता है। आखिर उस गरीब को किस जुर्म की सजा मिल रही? तुम कहो तो कहिया, तुम कहो तो मैं शबनम को यहां भेज देती हूँ, वो चाहे तो यूसुफ से खुला का मुतालबा कर सकती है। आप यूसुफ को समझाएं आपा, अच्छा भला बसा बसाया घर उजाड़ने के दर पे। तुम नीलम को समझा सकती? नीलम को तो मैं सिर्फ इसलिए मना रही थी कि खानदानी ताल्लुकात ना टूटे, वरना शबनम गरीब की किस्मत में तो दोनों सूरतों में उजड़ नहीं था। नीलम माने या ना माने, बिलाखिर शबनम को तलाक का दाग माथे पे सजा कर लौट रही है। हो सकता है कि मैं चंद दिनों में शबनम को यहाँ भिजवा दूँ, कोशिश करूंगी कि यूसुफ उसे सीधे साधे तौर पर तलाक दे दे, वरना तुम लोग अदालत में
सुलह का मुकदमा कर देना। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, वो आपसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है। जी क्या हम कहीं बाहर जाकर बात कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो? ठीक, थोड़ी देर में चलते हैं। सर, मैं शादी करना चाहती हूँ। बस सादा सा जुमला। आई मीन किससे करना चाहती हो, क्यों करना चाहती हो, ये अचानक ख्यालात में तब्दीली कैसे हो गई वगैरह वगैरह। सर, इस सादा से जुमले के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरियां हैं, ये मेरे हालात हैं जिन्होंने मुझसे ये कहलवाया। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों पर जिंदगी तंग कर देते हैं, ऐसे ही एक शख्स है यूसुफ, मेरा कजिन। और तुम्हारा भैनोई भी? जी सर, उसकी खुदगर्जी के हाथों पहले भी कई नुकसान उठा चुकी हूँ मैं, मजीद उठाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उसने धमकी दी है कि अगर मैंने उससे शादी की हामी ना भरी तो वो शबनम को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता, इसलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि मैं जल्द से जल्द किसी अच्छे इंसान के नाम का सहारा ले लूं, ताकि यूसुफ को यकीन हो जाए कि शबनम को अपना बनाने और बीवी का मकाम देने के सिवा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे यकीन है कि मुझसे मायूस होकर वो जरूर शबनम की तरफ पलटेगा। तो इस मकसद के लिए है कोई खुशनसीब नजर में? सर, मुझे एक ऐसे अच्छे इंसान का साथ चाहिए जिसे मेरी मौजूदा जिम्मेदारियों पर एतराज ना हो। मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करके अपना और अपने घर वालों का सहारा बनी रहूं। मैं उनके साथ तब तक रहूं जब तक उन्हें मेरी जरूरत है। एक ऐसा शख्स जो मुझे अपना नाम दे, अखलाकी सहारा दे, तहफ्फुज़ दे, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। Come on, नीलम, खुल के बात करो। सर, आप करेंगे मुझसे शादी? What? जी सर, आप करेंगे मुझसे शादी? नीलम, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि तुम्हारे मुंह से सब कुछ सुनकर मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है। सर, सर नहीं, अफनान, अफनान कहो मुझे। सर, मैंने अभी आपको बताया है ना कि ये मेरी मजबूरियां हैं जिन्होंने मुझसे ये सब कुछ कहलवाया, वरना मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि आप माशाल्लाह से शादीशुदा हैं, एक बच्ची के बाप हैं,
मेरा ये सब कुछ कहना आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब भी कर सकता है। मैं आपसे ये कहने की कभी हिम्मत ना करती। क्यों वजाहत है तेरी? मैंने तो तुमसे कोई वजाहत नहीं मांगी। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल की बात, समझ सकता हूँ मैं। अगर मैं दिल में तुम्हारे लिए दीवानगी महसूस कर सकता हूँ तो तुम भी तो कर सकती हो ना। देखो देखो कैसे जज्बों ने तुम्हें सब कुछ कहने पर मजबूर कर दिया। आप गलत समझ रहे हैं सर। छोड़ो भीम, जस्ट लेट इट गो। क्यों सफाइयाँ पेश कर रही हो? सफाइयाँ क्या मायने रखती हैं? बस इतना कह दो कि तुम मुझे चाहती हो।